हेलो पब्लिक, तो कैसे हो सभी लोग। एंड यार, ISI के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वारी आ रही है कि भैया हमारा अभी क्या होने वाला है, बिकॉज हमारा एग्ज़ाम ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है, कंडक्ट हो चुका है, बहुत सारे दिन हो चुके हैं। अप्लीकेशन फॉर्म हमने कब का फिल किया था, एग्ज़ाम हमारा 8 मई को हो चुका है, क्या सारा सीन है, वेबसाइट पे हमें कुछ मिल नहीं रहा है, कितना हमारा कट ऑफ जाने वाला है, क्या एडमिशन का सीन रहने वाला है, कब कितने हमारे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कैंपस हमें कैसे सेलेक्ट करना है, फॉर्म फिल हमने क्या किया था, तो जस्ट लाइक उसके बारे में सारी की सारी डिटेल हम देखने वाले हैं। सो चलिए देख लेते हैं। ओके, सो यार, आपने जब टेस्ट दिया था तो आपके पास दो टाइप था जिसके अंदर हम जिसको क्या बोलते हैं बेसिकली ISI में, एक UGA मार्क्स देन जो है UGB मार्क्स, ठीक है, या फिर शॉर्ट आंसर टाइप जो भी क्वेश्चन थे, राइट। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि जस्ट लाइक टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट एंड क्वालिफाई कितने मार्क्स करते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। आई रियली सॉरी फॉर दैट, मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना सका स्टूडेंट रिएक्शन का। ओके, एंड जस्ट क्वालिफाई मार्क्स क्या होते हैं, राइट आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, कब इसका रिजल्ट आने वाला है, बिकॉज आपके एग्जामिनेशन जो है 8 मई को कंडक्ट हो चुका था। ओके, एंड अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आपका रिजल्ट कब आने वाला है। सर, आपका जो रिजल्ट है ISI का, राइट, सो जो है आप मान सकते हो 6 जून तक आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि जब भैया कट ऑफ कितना जाता है और कितने मार्क्स का टेस्ट होता है। सो यार, बेसिकली यहाँ पे जो है फोकस किया जाता है वो दो कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड करता है, UG कोर्सेज एंड PG कोर्सेज। ओके, सो पिछले कुछ सालों की अगर अपन कट ऑफ की बात करें, सो दोनों कोर्सेज के अगर अपन इंक्लूड मिला के चलें, जैसे कि UGA प्लस UGB जो भी शॉर्ट मार्क्स होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन मतलब ऑप्शन वाले, सो जो है दोनों के अगर अपन इंक्लूड करके चले, देन जस्ट लाइक आप मान सकते हो 179, कभी 180, कभी 181, कभी 182। वैसे अगर अपन देखें जस्ट लाइक UGA का, देन जनरल कैटेगरी के लिए आप मान के चल सकते हो 73 या फिर 72, 74 मार्क्स आता है। अदर जो कैटेगरी होती है, जैसे OBC कैटेगरी होती है हमारी, तो उसके लिए जो है 60 से लेके 65 तक होता है, 60 to 65। एंड जो भी कैटेगरी होती है SC, ST, PWD या फिर DA कैटेगरी होती है, उनके लिए जो है ये 45 से लेके 50 तक होता है, और जो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो 130 तक होता है इसके लिए, जो भी बी स्टैटिक कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, अब जो है मैथमेटिक्स की अगर अपन बात करें, तो यार मैथमेटिक्स इज़ द वेरी मतलब बहुत अच्छी डिमांड है इस कोर्स की। एंड यार, बेसिकली इस कोर्स के रिगार्डिंग मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में कुछ समझ नहीं आता कि भैया मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना, और जो है वो छूट जाता है उनका। अगर उनका सिलेक्शन भी हो जाता है तो कुछ जस्ट लाइक डॉक्यूमेंट इश्यू आ जाता है, या फिर कहीं कहीं बहुत सारे एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन इश्यू आता है, गाइडेंस नहीं होती क्या करना है क्या नहीं करना, मैं अगर ये कोर्स लूँगा तो क्या होगा मेरे साथ, अगर मैं ये कोर्स लूँगा तो क्या होगा, प्लेसमेंट में क्या इश्यू होगा, अगर मैं ये कोर्स करता हूँ कौन सा कैंपस मिलेगा मेरे को, कैसे कैंपस सेलेक्ट करना है, कहाँ पर जाना है कहाँ पर नहीं जाना, कितना पैसा लगेगा, कितनी सैलरी मिलेगी। सो इन सब के लिए ना हमारी टीम पूरा डिस्कस करती है। इसके लिए जो है आप हमारा मेंटर प्लान या फिर काउंसलिंग प्लान ले सकते हैं, जिसके अंदर अगर आपका बाई चांस एडमिशन नहीं होता है, देन जो है आपको रिफंड भी प्रोवाइड किया जाता है, और जो भी फर्दर आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस होते हैं जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजों में, वो भी आपके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, देन आप जो है ट्राई कर सकते हैं। एंड जो है 7 जून तक जो है यह ऑफर चल रहा है, 7 जून तक जो आपकी फ़ीस है वो सिर्फ आधी लगेगी, यानी कि 50% ओनली। वैसे जो इसका प्राइस है 9,999 रुपये, लेकिन अभी जो इसका प्राइस है ओनली फॉर 4,999 रुपये, यानी कि सिर्फ 5,000 रुपये में आपको ये प्रोग्राम मिल रहा है, जिसके अंदर आपको जो भी टॉप काउंसलर है फ्रॉम द ISI, CMI, NICER, ISER, ठीक है, टॉप IITs के स्टूडेंट्स, NSUT, DTU, राइट, CUET के जो भी इंपॉर्टेंट जो भी है, बहुत सारी फील्ड के जो एक्सपर्ट है जो पढ़ा रहे हैं अभी अकेडमी पे या फिर इंजीनियरिंग वाला में टॉप IITians पढ़ा रहे हैं, वो आपको गाइड करेंगे, वो सारे बच्चे वहीं पे इंस्टीट्यूट के अंदर ही पढ़ रहे हैं, तो वो भी आपकी हेल्प करेंगे रिगार्डिंग योर जस्ट गाइडेंस प्रोग्राम, आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, B2, BC2C, आपका जस्ट आई कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है, राइट, गूगल मीट पे, गूगल जस्ट लाइक ड्यूप पे, जूम पे,
ओके, वीडियो कॉल के जरिए आपको बताना आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं, कब इसका रिजल्ट आने वाला है, कितना कट ऑफ होता है, क्या आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, कितनी आपको फ्यूचर में सैलरी मिलेगी, सारी की सारी आपसे डिटेल में डिस्कशन कर रहे होंगे। सो इसके लिए जो है आप काउंसलिंग के लिए पर्सनली जो है व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया गया है हेल्पलाइन नंबर, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या फिर नीचे डायरेक्टली गूगल फॉर्म दिया गया है। 7 तारीख तक अगर आप फिल करते हैं देन आपको सिर्फ 5,000 रुपये लगेंगे, अगर आप 7 के बाद फिल करते हैं देन जो है आपके 9,999 रुपये लगेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे क्या सारा सीन है। सो यार बेसिकली जो है इसके अंदर दो जस्ट लाइक दो डिपार्टमेंट्स होते हैं। ओके, और अब अपन बात करते हैं इसके रिजल्ट की, मैंने आपको बात कर ली है। ओके, 7 से 8 जून को इसका रिजल्ट आ रहा होगा। अब इसके अपन कट ऑफ की बात करते हैं, प्योरली किस बार कितना कट ऑफ जाएगा और कितने परसेंट पे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, तो वो भी देख लेते हैं अपन, और आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है। ओके, सो यार सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, राइट। सो यार वहाँ पे जो आपके पास दो ऑप्शन थे, एक UGA था, एक UGB था। UGB क्या होता है, जिसके अंदर दो शॉर्ट क्वेश्चन थे उसको हम UGB बोलते हैं। ओके, सो जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं आपका जो है UGA जो वाला पार्ट था वो 120 नंबर का था, और जो UGB वाला पार्ट था वो 80 मार्क्स का था। तो अगर आपके UG वाले पार्ट में 120 में से 71 से लेके 75 तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, और आपके UGB वाले मार्क कैटेगरी के अंदर आपके जो है 30 से लेके 35 तक आ रहे हैं 80 में से, और UGB जो भी UGA वाला था उसके अंदर आपके जो है 72-75 मार्क्स आ रहे हैं 120 में से, देन जो है आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे और आपको जो है स्टैटिकल के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। वैसे ही सेम अगर मैं बात करूँ OBC कैटेगरी में, तो OBC वाले जितने भी बच्चे हैं 120 में से आपके UGA कैटेगरी जो पहला डिपार्टमेंट है जो 120 मार्क्स का होता है उसमें से अगर आपके 60-65 आ रहे हैं, और अगर जो भी है 25 से लेके 30 तक उसमें जो है UGB में आ रहे हैं, देन जो है आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। वही अगर अपन SC ST वालों की बात करें तो 50 से लेके 55 मार्क्स तक 120 में से UGA कैटेगरी, और जो है UGB कैटेगरी के अंदर जस्ट लेके 20 से लेके 25 मार्क्स तक 80 में से अगर आपके आ रहे हैं देन यू आर अप्लीकेबल फॉर जस्ट लाइक जो भी आपका इंस्टीट्यूट है ISI। ओके, उसी प्रकार MMath के लिए, ओके, जो भी स्कोर था, देन BMath के लिए भी UGA का ऑलमोस्ट जस्ट लाइक 68-73 तक 120 में से, ओके, UGB वाला 31 मान सकते हो, 31-35 तक 180 में से। ओके, सो ये सारा सीन है, और जस्ट इसके रिगार्डिंग ना पर्सनली व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। काउंसलिंग के रिगार्डिंग मैंने आपको सारी की सारी डिटेल बता दी है। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ, एडमिट कार्ड जो कि आपका था, स्कोर कार्ड एंड काउंसलिंग लेटर जो भी आपका ISI से मिलेगा, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका जो भी करेक्टर सर्टिफिकेट था, ट्रांसफ़र माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपकी कैटेगरी है देन आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो एंड ऑल जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने कौन कौन से इंक्लूड किए वो डॉक्यूमेंट्स एंड जस्ट सिग्नेचर, ओके, और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ऑलमोस्ट इतने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड हो चुके हैं। ठीक है गाइज, ओके, थैंक यू सो मच। और भी कोई आपका क्वेश्चन हो देन मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो। थैंक यू।